इट्स वेलकम बैक वंस अगेन। एक चैनल आपको टेस्ट क्रॉस और एक होता है आपका बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस में हमने क्या बताया था आपको कि जब F1PD प्राप्त होगा, ठीक है, आपका F1PD प्राप्त होगा और F1PD में यानी कि फर्स्ट जनरेशन प्राप्त होगा, F1PD प्राप्त होगा। F1PD कैसे प्राप्त होगा? जैसे मान लीजिए कि ये आपका कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, यहाँ पे मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां से आपको मिल गया क्या आपका कैपिटल स्मॉल, और यहां से भी मिल गया आपको क्या कैपिटल और स्मॉल। ये कितने एलील मिल गए? टोटल चार एलील मिल गए। ये चारों जो मिले हमें ये F1PD के एलील्स है। ये किस पीडी के एलील है? F1PD के एलील्स है। जब F1PD के एलील्स अगर हमें मिल गए तो हम क्या करेंगे कि F1PD के एलील F1 से जब कराते हैं तो हमें F2 जनरेशन प्राप्त होता था, नॉर्मली क्रॉस जो कराते थे हम लोग हाइब्रिड प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब कह रहा है कि हाइब्रिड बनाने के लिए आपको वैसे क्रॉस कराने के अलावा अन्य तरीके भी है, दो तरीके जो आप चाहे तो क्रॉस करा सकते हैं। तो कह रहा है कि F1PD में जो भी एलील्स प्राप्त हो इनको क्रॉस आप तीन चीजों से करा सकते हैं। इनका क्रॉस तीन तरह से करा सकते हैं। कैसे क्रॉस कराएंगे? एक तो आपका F1PD के एक दूसरे में क्रॉस करा दे, अर्थात कि कैपिटल टी और आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, इस दोनों में क्रॉस करा ले दो एलील के बीच में। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक F1PD का ले लीजिए और एक आपका क्या ले लीजिए, इसका अप्रभावी गुण वाला ले लीजिए, दोनों स्मॉल टी ले लीजिए, तो एक ये हो जाएगा आपका। तीसरा क्या तरीका हो सकता है? तो तीसरा तरीका है कि एक F1PD का ले लीजिए आप और एक क्या ले लीजिए, इनके प्रभावी गुण वाले ले लीजिए, अर्थात कैपिटल टी वाला ले लीजिए। तो टोटल कितने तरीके हो गए क्रॉस कराने के? टोटल तीन तरीके हो गए आपके पास। ध्यान से समझिएगा कि क्रॉस आप किससे करा सकते हैं कि F1PD में हमें मिला तो F1PD से प्राप्त संतति जो होते थे, जो एलील्स होते थे, इनके बीच में हम लोग क्रॉस कराते थे और क्रॉस कराने के बाद जो हमें प्राप्त होता था उसे हम लोग क्या कहते थे? F2PD। अब यहाँ पे क्रॉस F2PD प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो एक तरीका ये बन जाएगा आपका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इनको आपस में क्रॉस ना करा के इसी में से अप्रभावी जो इनके पेरेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा ये आपके हाइब्रिड आपके हैं लेकिन ये दोनों क्या इनके, ये दोनों के दोनों इनके पेरेंट्स हैं जिनसे आपका क्या हो गया नया जीव आपका नया संतति प्राप्त हुआ, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पेरेंट एलील्स, क्या हो जाएंगे पेरेंट्स एलील, ये क्या होंगे पेरेंट्स एलील होंगे। अब पेरेंट्स एलील है तो पेरेंट्स एलील की वजह से आपका क्या हो जाएगा कि ये आपको संतति प्राप्त हुआ है। अब क्या कह रहा है कि या तो आप F1PD को आपस में क्रॉस करा लीजिए या F1PD को पेरेंट्स एलील से आपको क्या करा लिए क्रॉस कराइए। तो जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो पहला कंडीशन, और जब पेरेंट एलील से जब क्रॉस कराएंगे तो इसका दो कंडीशन है आपका, पेरेंट्स एलील से जब क्रॉस कराएंगे, एलील से क्रॉस कराएंगे तो इसके दो कंडीशन होंगे। एक कंडीशन में क्या होगा, एक बार आपका अप्रभावी गुण वाला काम करेगा, एक बार कौन रिएक्शन करेगा क्रॉस अप्रभावी गुण वाला, और एक बार कौन करेगा प्रभावी गुण वाला, या इंग्लिश में इसी बात को कहे तो एक बार क्या करेगा, एक बार रिसेसिव करेगा, एक बार रिसेसिव क्वालिटी करेगा और एक बार क्या करेगा डोमिनेंट क्वालिटी वाला, डोमिनेंट क्वालिटी वाला, यानी कंडीशन दो बनते हैं। तो जब क्या कह रहा है कि जब पेरेंट एलील के साथ जब F1PD के क्रॉस कराया जाएगा तो उस क्रॉस का नाम अलग अलग है, जब वो अप्रभावी के साथ जब क्रॉस कराएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे हम लोग टेस्ट क्रॉस। बात समझ में आ रही है कि F1PD में जो एलील्स प्राप्त है उसको जब पेरेंट एलील के साथ क्रॉस कराएंगे और पेरेंट एलील्स के अंदर खास तौर से अप्रभावी वाला, चलो छोटा वाला है ना जी, तो यह अप्रभावी है, तो इस अप्रभावी के साथ जब क्रॉस होगा तो
इस क्रॉस को हम लोग क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस। तो यह पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे F1PD के एलील्स को प्रभावी क्वालिटी वाले से क्रॉस कराएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। अर्थात टोटल क्रॉस कितने तरह के हो जाएंगे? टोटल तीन तरह के हो जाएंगे। एक F1PD वाले प्राप्त हुए, इन दोनों को क्रॉस करा लीजिए। नहीं तो दूसरा कंडीशन होगा कि आप क्या कर लीजिए, इनके पेरेंट्स एलील के साथ क्रॉस करा लीजिए। तब जब पेरेंट एलील्स के साथ क्रॉस कराएंगे तो इसका कंडीशन कितना हो जाएगा, इसके अंदर भी दो कंडीशन हो जाएंगे। एक या तो आपका प्रभावी के साथ करा लीजिए, अप्रभावी के साथ, या फिर किसके साथ करा लीजिए, प्रभावी के साथ। तो जब अप्रभावी के साथ क्रॉस कराइएगा तो वह कंडीशन क्या कहलाएगा हमारा, टेस्ट क्रॉस। और जब प्रभावी के साथ कराएंगे तो वह क्रॉस क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा आपका बैक क्रॉस। क्लियर है आप लोग को?